देखिए, अभी तक दो डेड बॉडी एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ने निकाल दी हैं, जिसको हमने सर्च किया था, लोकेट किया था, और वो बेसमेंट पे दो डेड बॉडीज पाई गई। दोनों पुरुष की बॉडीज हैं और उन दो डेड बॉडीज को हमने निकाल दिया है। अभी तक एनडीआरएफ की चार टीमें लगी हैं। आठवीं वानी जो कि गाज़ियाबाद में स्थित है, उसकी चार टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। करीब 200 के आसपास आदमी हैं यहाँ पर, और हमारे पास सभी उपकरण हैं, आपदा प्रबंधन के जो उपकरण होते हैं सर्च एंड रेस्क्यू के, उन सभी उपकरणों के साथ हमारी पूरी प्रशिक्षित टीम लगी हुई है। जी हाँ, क्योंकि डॉग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सर्च में, क्योंकि डॉग की जो सूंघने की शक्ति है वो आदमी से करीब 40 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन डॉग जो है वो सिर्फ लाइव विक्टिम, जो जिंदा व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को ही बताता है, इंडिकेट करता है। तो हमने अपने डॉग से यहाँ पे सर्च करा लिया पूरे बिल्डिंग को, तो डॉग ने अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया जिससे ये प्रतीत हो कि कोई अंदर लाइव विक्टिम है। अगर कोई होगा अंदर, तो जिस प्रकार से बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ, जिस प्रकार से इसका इम्पैक्ट है, जीवित बचने की संभावना थोड़ी कम है। देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और आगे थोड़ी अनस्टेबल बिल्डिंग है, आगे फर्दर और कोलैप्स हो सकती है, तो ये काम थोड़ा सा सावधानी पूर्वक किया जा रहा है और विभिन्न स्थानों से, विभिन्न साइट से हम इसको देख रहे हैं, प्रयास जारी हैं। जब तक सारे विक्टिम नहीं निकल जाते हैं, तब तक एनडीआरएफ ना काम करती रहेगी।